तो इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ सर्वाइव करने का 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट 1 ब्लॉक में। और ये चैलेंज को मैंने और भी ज़्यादा हार्ड करने के लिए मैं इसको प्ले करने वाला हूँ हार्डकोर मोड में। तो आपको ये भी पता होगा कि हार्डकोर में अगर आप एक बार मर जाते हैं तो ये लिटरली आपका वर्ल्ड हो जाता है डिलीट। तो इसको मैं कैसे सर्वाइव करवाऊंगा ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में मुझे लिटरली 40 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा है। आपको बस एक सेकंड लगेगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। और इसमें मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जैसे फुल सेट नेदराइट के आर्मर्स एंड टूल्स बनाना, यहाँ पे लिए अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना, अपने लिए रहने के लिए घर बनाना, एक्सपी फार्म बनाना एंड एंडर ड्रैगन को डिफीट करके उसका जो एग है वो लेकर आना। तो क्या मैं ये सभी चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा, ये सभी जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। लेट्स एंजॉय वीडियो। तो डे वन को स्पॉन हो जाता हूँ मैं 1 ब्लॉक में, और यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं था तो मैं 1 ब्लॉक को ही माइन करता हूँ, जिससे मुझे कुछ डर्ट और कुछ ऑक लॉक्स मिलने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ तो एक चेस्ट स्पॉन होता है जिसमें से मुझे एक एप्पल और सैपलिंग्स मिलता है, जिसको कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से माइनिंग के काम पे लग जाता हूँ। और काफ़ी देर माइन करने के बाद कुछ मैसेज भी आ रहा था जिसको मैं लिटरली पढ़ लेता हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद ही एक अपना दोस्त स्पॉन होता है जिसका नाम था पिग। तो हम दोनों के रहने के लिए पूरा सूटेबल जगह नहीं था तो मैं थोड़ा सा जगह को एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए, और उसके बाद मैं फिर से माइनिंग के काम पर लग जाता हूँ। तो प्लेटफॉर्म एक्सपेंड करने के बाद वापस से मैं माइनिंग के काम पे लग जाता हूँ। और कुछ देर माइनिंग करने के बाद ही मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलता है जिसमें से मुझे दो सैपलिंग्स मिलता है, जिसको कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से माइनिंग करने लग जाता हूँ। माइनिंग करते करते मेरे पास काफ़ी चीज़ें कलेक्ट होती जा रही थी, और यहाँ पे फिर ना एक ग्रेवल आता है जो नीचे गिर जाता है, उसके बाद तुरंत एक चेस्ट आता है जिसमें एक वाटर बकेट होता है। तो वाटर बकेट का मैं यूज़ करने वाला था कि नीचे एक ब्लॉक लगा दूँ ताकि जो ग्रेविटी ब्लॉक है वो नीचे ना गिर पाए। तो यहाँ पे मैं वाटर लगाता हूँ और फटाफट से नीचे जाकर एक डर्ट ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि ग्रेविटी ब्लॉक नीचे ना गिरे। उसके बाद मैं फिर से माइनिंग करने लग जाता हूँ जिसमें लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रेवल्स, ऑक लॉक्स और डर्ट मिलते हैं। और फाइनली यहाँ पे अपना फर्स्ट ख़त्म हो चुका था स्टेज, जिसमें मुझे कुछ ऑक लॉक्स और कुछ सैपलिंग्स मिलते हैं जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और चेस्ट को माइन कर देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे 10 सेकंड में स्टार्ट होने वाला था अपना पहला फेज। तो पहला फेज कौन सा होने वाला है ये देखते हैं। ऑल राइट, तो पहला अपना फेज था द प्लेन फेज। तो द प्लेन फेज आ चुका था और इसके बाद मैं फटाफट से खुशी में माइनिंग करने लग जाता हूँ जिसमें मुझे डर्ट, ऑक लॉक्स मिलने लग जाते हैं। और फिर मैं माइनिंग करते चले जाता हूँ जिसके बाद एक चेस्ट आता है जिसमें मुझे दो सैपलिंग्स मिलते हैं जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और पिग भी मेरे साथ काफ़ी हाथ बटा रहा था, वो सिर्फ मेरा चेहरा देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। उसके तुरंत बाद उसका एक और पार्टनर स्पॉन हो जाता है जिसमें रहने लायक हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं था, तो जितने भी मेरे पास ऑक लॉक्स थे उसका मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ। और प्लैंक्स बनाने के बाद क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल से मैं कुछ यहाँ पे जो रहते हैं स्लैब्स वो बना लेता हूँ। तो स्लैब्स बनाने के बाद मैं फटाफट से अपने एरिया को एक्सपेंड करने लग जाता हूँ ताकि हम सभी के रहने के लिए एक जगह बन जाए। तो काफ़ी देर एक्सपेंड करने के बाद फाइनली अपने पास इतना एरिया आ चुका था कि हम तीनों रह सकें। उसके बाद मैं वापस से अपना जो माइनिंग का काम रहता है उसको कंटिन्यू कर देता हूँ, और लगातार कई दिनों तक मैं माइनिंग का ही काम करता हूँ जिसमें मुझे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जैसे चेस्ट में। और उसके बाद मेरे पास एक आइडिया आता है कि जितने भी सैपलिंग्स हैं क्यों ना मैं उनको प्लांट कर दूँ। तो उसके बाद मैं एक छोटा छोटा सा एरिया बना के वहाँ पर जितने भी सैपलिंग्स थे उनको प्लांट कर देता हूँ ताकि जितने भी सैपलिंग्स है उससे मुझे वुड मिल पाए। और उसके बाद मैं जितने भी चेस्ट मुझे माइनिंग से मिले थे उन सभी चेस्ट को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और वापस से अपना जो माइनिंग का काम रहता है उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं माइनिंग का काम करते जा रहा था। फाइनली अब मैंने यहाँ पे अपने वुडन का पिकेक्स और एक्स बना लिया था, अपना पहला वुडन का टूल्स, और उसके बाद वापस से मैं माइनिंग करने लग जाता हूँ जिसके बाद मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसमें से मुझे कुछ सीड मिल जाता है तो उसको कलेक्ट करने लग जाता हूँ मैं। और इसी तरीके से मैं काफ़ी देर तक माइनिंग करता हूँ जिससे मेरा रात से दिन हो जाता है कि मुझे पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे रात तक माइनिंग करता हूँ, उसके बाद जब डे हो जाता है तो डे तक माइनिंग करता हूँ, जिसके बाद काफ़ी सीप्सी भी स्पॉन हो चुके थे, मुझे मिल चुके थे, जिसके बाद मैं थोड़ा सा एरिया और भी एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि हम सभी के रहने के लिए एक लोकेटेड एरिया बन जाए, जिसके बाद एक ट्री भी ग्रो हो जाता है। उसके बाद वक्त आ चुका था अपने लिए एक मतलब मॉब्स के लिए एक एरिया बनाने का, यानी जितने भी अपने सीप है, काव है, तो उन सभी के लिए एक एरिया बनाने का ताकि उन सभी को मैं वहाँ रख सकूँ, वरना हो सकता है कि यहाँ पे अगर वो रहेंगे तो मुझे धक्का देके गिरा दें। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एक प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता हूँ ताकि मैं वहाँ पे सीप और अपने काव को शिफ्ट कर सकूँ।
तो प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मैं फिर यहाँ पे ट्री फार्म पे आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं अपना कुछ वुड्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो वुड कलेक्ट करने के बाद जितने भी सैपलिंग्स मिलते हैं मैं उनको दोबारा से रीप्लांट कर देता हूँ, और रीप्लांट करने के बाद वापस से माइनिंग के काम पे लग जाता हूँ, जिसके बाद मेरे हार्ट वाला एक चेस्ट मिलता है। यानी इसका मतलब था ये वाला फेस होने वाला ख़त्म, यानी 20 सेकेंड में अपना नेक्स्ट फेस आने वाला था। तो फिर मैं इंतज़ार करने लग जाता हूँ नेक्स्ट फेस का। तो फाइनली अपना फेस आ चुका था द अंडरग्राउंड फेस। द अंडरग्राउंड फेस में बहुत सारे जॉम्बीज क्रीपर स्पॉन हो सकते थे। तो कुछ देर माइनिंग करने के बाद मैं फिर यहाँ पे एक केस टाइप का बना देता हूँ सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी जॉम्बी बाहर ना आ जाए या फिर क्रीपर बाहर आके ब्लास्ट ना हो। और उसके बाद मैं माइनिंग करने लग जाता हूँ, और काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये मशरूम काव मिल जाता है। मशरूम काव बाहर नहीं आ रही थी तो मैं उसको एक हिट दे देता हूँ, और एक हिट खाने के बाद वो भाई साहब बाहर आ जाती है। एंड उसके बाद मैं अपना जितने भी मॉब रहते सभी को प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर देता हूँ और माइनिंग करने लगता हूँ। तो एक जॉम्बी आता है उसको मार देता हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं ट्री जितने भी ग्रो होते हैं सभी को कलेक्ट करके बहुत सारे प्लैंक्स और बहुत सारे स्लैब बना लेता हूँ। बहुत सारे स्लैब्स बनाने के बाद थोड़ा समय लगता है, और उसके बाद फाइनली अपना मैं अलग से सेपरेट ट्री फार्म बनाने लग जाता हूँ। तो लेट्स एंजॉय टाइम लैप्स गाइस। तो फाइनली यहाँ पे अपना ट्री फार्म बन चुका था और सारे सैपलिंग्स प्लांट कर चुका था मैं। उसके बाद वापस से मैं माइनिंग एरिया में आता हूँ, तो एक क्रीपर आता है और ब्लास्ट हो जाता है। क्रीपर के बाद कुछ और जॉम्बीज आते हैं जिसको मैं मार देता हूँ। जॉम्बी मारने के बाद मैं काफ़ी देर तक माइनिंग करने लग जाता हूँ। माइनिंग के दौरान मुझे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, और उसके बाद तुरंत बाद एक हार्ट का चेस्ट आता है काफ़ी देर बाद, जिसकी मतलब है कि ये वाला भी फेस ख़त्म होने वाला था, जिसमें मुझे एक गोल्डन कैरेट मिलता है। उसको कलेक्ट करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट फेस का इंतज़ार करने लग जाता हूँ। तो अपना नेक्स्ट फेस कुछ देर में ही आने वाला था, देखते हैं कौन सा आने वाला है। तो अपना नेक्स्ट फेस था स्नो बायोम का। स्नो बायोम का मतलब काफ़ी चीज़ें हमें मिलने वाली थी इस बायोम में। तो मैं उसके बाद जैसी माइन करता हूँ तो एक डॉग आता है, तो उस डॉग से मेरी ज़्यादा बनती नहीं है, तो फिर क्या था कि उसको मारना पड़ जाता है। ऑल राइट, डॉग को मारने के बाद एक और डॉग आता है, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इसको मैं साइड में ले जाके बैठा देता हूँ, और उसके बाद वापस से माइनिंग करने लग जाता हूँ। माइन करने के बाद दो स्ट्रेस फोन होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तो जो भी जीतता है तो फिर उसको मैं इनाम दे देता हूँ। इनाम देने के बाद एक पोलर बियर आता है, तो पोलर बियर को मैं फिर धक्का दे दे के बाहर लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई यही मुझे धक्का दे के खुद ही बाहर चला जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। और उसके बाद मैं पोलर बियर के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, छोटा सा प्लेटफॉर्म जिसमें पोलर बियर को मैं रख पाऊँ। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद फिर पोलर बियर को धक्का दे दे के इसके अंदर ले के आ जाता हूँ, लेकिन ये जल्दी आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी धक्का दे के मैं इसको कैद कर देता हूँ। कैद करने के बाद यहाँ पे मैं फाइनली टाइम आ चुका था अपने आयरन के आर्मर्स बनाने का और टूल्स। तो यहाँ पे मैं अपने आयरन का आर्मर्स बना लेता हूँ, जैसे कि अपना चेस्ट, हेलमेट। तो फाइनली आयरन का आर्मर अब मैं बनाने के बाद उसको पहन भी लेता हूँ। ऑल राइट, बूट्स भी पहन लेते हैं, बस हेलमेट रह गया, उसको मैं बाद में पहन लेता हूँ। और उसके बाद वापस से माइन करने लग जाता हूँ। माइन करने के बाद एक डॉल्फिन आती है, तो इसको बचाने के लिए मैं पानी लगा देता हूँ, साइड कर देता हूँ। उसके बाद काफ़ी देर तक माइन करने के बाद एक मछली आती है, तो मछली को मैं फिर अपने एक छोटे से पॉन्ड में रख देता हूँ। पॉन्ड में रखने के बाद वापस से माइन करने लग जाता हूँ। माइन करते करते यहाँ पे एक गार्डियन स्पॉन होता है, अंडर गार्डियन। तो भाई इसको तो मारना बनता था, जिसका मेरा जो डॉग रहता है वो काफ़ी मदद करता है इसको मारने में, वो मार भी देता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ नकली डट्स बना लेता हूँ, जो कि डट की कमी थी। और फिर यहाँ पे अपना जो स्टोरेज रूम था उसकी तैयारी करने लग जाता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारे जितने भी मेरे पास वुड थे सारे के प्लैंक्स और यहाँ पे बहुत सारे स्लैब बना लेता हूँ। तो फाइनली फिर उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट मॉन्स्टर पार्टी आने वाला था, पता नहीं किस तरीके का था, मुझे पता नहीं था। तो फिर मेरे सारे डॉग उसमें भिड़ जाते हैं, दो डॉग थे तो दोनों भिड़ जाते हैं, लगभग सारे मॉन्स्टर्स को मारने में मदद करते हैं। उसके बाद मैं फिर से माइन करने लग जाता हूँ। माइन करते करते एक चेस्ट आता है हार्ट वाला, जिसमें मुझे स्नो बकेट, दो गोल्डन कैरेट, एक आइस क्यूब और काफ़ी कुछ मिलता है, जिस सभी को मैं कलेक्ट करके वापस से माइन कर देता हूँ। माइन करने के बाद फिर मैं 40 सेकंड थे, तो नेक्स्ट फेज का फिर इंतज़ार करने लग जाता हूँ।
ऑल राइट, तो अपना नेक्स्ट फेज था डीप स्लेट केव का, जिसमें मैं उससे पहले एक अपने लिए छोटा सा वीट फार्म बनाने लग जाता हूँ ताकि फूड की बाग की कमी ना हो, तो फटाफट से यहाँ पे मैं फार्म बनाने लग जाता हूँ। फार्म बनाने के बाद एक मैं वुडन का हो बना लेता हूँ, हो बनाने के बाद यहाँ पे मैं अपना खेती करने लग जाता हूँ और फिर उसके बाद जितने भी सीड रहते हैं सभी को प्लांट कर देता हूँ। और यहाँ पे बोन व्हील रहता है मेरे पास, बोन व्हील मारता हूँ स्पेयर पे, एंड उसके बाद जितने भी सीड रहते हैं सभी पे बोन व्हील मार के मैं यहाँ पे वीट ग्रो कर देता हूँ, एंड थोड़े से और बोन व्हील मिला के जितने भी मेरे पास रहते हैं सीड्स उनको ग्रो करके वीट हार्वेस्ट कर लेता हूँ। अब फाइनली यहाँ पे अपना नेक्स्ट फेज आने वाला था, तो नेक्स्ट फेज का इंतज़ार करने लग जाता हूँ। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट फेज था लस्केप का, तो लस्केप को फिर मैं माइन करने लग जाता हूँ। तो लिटरली काफ़ी देर तक माइन किया मैंने और उसके बाद मैं फार्मिंग में लग जाता हूँ, जितने वीट हार्वेस्ट हुए थे सभी को कलेक्ट करने लग जाता हूँ। हार्वेस्ट वीट कलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे मैं अपने मॉब फार्म पे आ जाता हूँ, जिसमें मैं अपने सीप्स और काव को यहाँ पे जो वीट है वो खिला के फिर ब्रीड करा देता हूँ ताकि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने स्टोरेज रूम के पास आ जाता हूँ, जहाँ मैं लिटरली अपने सारे चेस्ट लगा देता हूँ। और लिटरली चेस्ट लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैं शिफ्ट करने वाला था अपने सारे सामान, बिकॉज अभी जहाँ मैंने अपना सारा सामान रखा है वहाँ पे हो सकता है कि कोई क्रीपर ब्लास्ट हो सके हो जाए, बिकॉज वो था वन ब्लॉक के पास। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं सारे सामान को अपने स्टोरेज रूम के चेस्ट में शिफ्ट करने लग जाता हूँ, बिकॉज अभी स्टोरेज रूम बना नहीं था लेकिन अभी उसको बनाने वाला था मैं। और यहाँ पे फाइनली रात हो जाता है, तो फिर रात से बचने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ सीप थी, तो मुझे पहले तो चेस्ट से आयरन लेना था, तो यहाँ से आयरन ले लेता हूँ और एक सीयर बना लेता हूँ और एक क्राफ्टिंग टेबल सॉरी और यहाँ पे अपने लिए कुछ सॉरी सीयर बनाने के लिए। और सीयर बनाने के बाद फिर यहाँ पे मैं सीप से वूल ले लेता हूँ और फाइनली अपना एक बेड बना लेता हूँ, बेड प्लेस करके फिर सो जाता हूँ मैं। एंड फिर मैं फाइनली मैंने फर्स्ट नाइट सो चुका था यहाँ पे बेड बना के। और यहाँ पे फैंटम अटैक करते लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज डे हो चुका था और उनमें आग लग चुकी थी। अब लिटरली मैं उनको मरते हुए देखता हूँ क्योंकि वो भाई रात में काफ़ी ज़्यादा आतंक मचाते हैं, तो लिटरली सारे जो भी फैंटम रहते हैं वो जल के मर जाते हैं। और मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अपना स्टोरेज रूम का टाइम लैप्स है, लेट्स एंजॉय। तो अब बारी थी यहाँ पे अपने सीड्स प्लांट करने की, तो फटाफट से जितने भी सीड्स मुझे मिलते तो उनको दोबारा से मैं रीप्लांट कर देता हूँ ताकि फूड की कमी ना हो, और उसके बाद वापस से माइन करता हूँ। तो काफ़ी देर माइन करने के बाद एक स्केल्टन स्पॉन होता है जो कि सवारी कर रहा था स्पाइडर की, जिसकी मैं काफ़ी ज़्यादा पिटाई लगा देता हूँ। लेकिन भाई ये भी पता नहीं कितना हेल्थ था इसका, मरने का नाम नहीं ले रखा था। लेकिन फाइनली मैं यहाँ पे स्पाइडर और स्केल्टन दोनों को निपटा देता हूँ और उसके बाद वापस से माइन करता हूँ। एक और स्केल्टन स्पाइडर आता है तो ये तो खुद ही सफोकेट होकर मर जाता है और स्पाइडर को मैं मार देता हूँ। इसके बाद वापस से माइन करता हूँ तो एक सलोटल आता है तो उसको कैद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो भागा चला जाता है बाहर, तो मैं फिर पीछे चला जाता हूँ उसको कैद करने के लिए, वापस कैद कर लेता हूँ और उसकी जगह पर उसको पहुँचा देता हूँ। तो पहले मुझे पता नहीं था कि कहाँ रखना है, तो मैं यहाँ रखता हूँ, तो एक्सोलोटल मेरी जो मछलियाँ रहती है उन दोनों को मार देता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसका बदला आगे जाके लेंगे, अभी इसको मार नहीं सकते हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा माइन करने के बाद दो मछलियाँ और आती हैं, जिसको मैं फटाफट से पानी नहीं था तो पहले पानी लेके आता हूँ, जो कि मैंने अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना रखा था। तो अनलिमिटेड वाटर सोर्स से पानी लाने के बाद इन दोनों को मैं जीवन दान दे देता हूँ और वापस से मछलियों को कलेक्ट करके
फिर एक अलग से एरिया में उनको रख देता हूँ और वापस से माइन करने लग जाता हूँ। तो माइनिंग से मुझे काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, लिटरली काफ़ी कुछ मिल रहा था मुझे। और एक जॉकी आता है चिकन पे बैठा हुआ, जो खुद ही मतलब सफोकेट होके मर जाता है, और चिकन को मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही और वापस से अपना जो माइनिंग का काम है वो कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद एक चेस्ट आता है जिसमें से मुझे लिटरली ज़्यादा कुछ अच्छा मिलता नहीं है। अब अपना ये एक और आ गया मॉन्स्टर पार्टी, जिसमें जॉकीज, स्पाइडर्स और पता नहीं क्या क्या स्पॉन हुआ था, जिनको मैं चुन चुन के गिन गिन के मारता हूँ। लिटरली भाई इनको मारने के बाद फिर से मैं माइन करने लग जाता हूँ, जिसके बाद दो एक्सोलोटल और स्पॉन होते हैं, तो फटाफट से इन दोनों को भी मैं इनके जगह पे पहुँचा के वापस से माइन करने लग जाता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे मुझे फाइनली ये वाला भी फेस हो चुका था ख़त्म, बिकॉज हर्ट वाला आ चुका था और एक मिनट का वेट करना था। अब देखते कौन सा फेस आने वाला था, लिटरली 3 सेकेंड बचे हुए थे। ऑल राइट, तो ये आ चुका था ओसन का अपना फेस, तो फटाफट से मैं माइन करने लग जाता हूँ, जिसमें मुझे लिटरली काफ़ी समय लगता है, काफ़ी नई नई चीज़ें मिलती हैं। एक डॉल्फिन आती है, तो डॉल्फिन को बचाने के लिए मैं यहाँ से एरिया बनाता हूँ ताकि डॉल्फिन बाहर जा सके, और उसको सेव कर देता हूँ और वापस से माइन करता हूँ। तो एक भाई साहब एल्डर गार्डियन स्पॉन होता है, जो लिटरली काफ़ी ख़तरनाक होता है, क्योंकि अगर इसके पास ही मैं जाता हूँ इसको मारने के लिए, तो ये लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है। तो मेरे पास एक आइडिया आ चुका था, मैं अब बो का यूज़ करने वाला था इसको मारने के लिए, लेकिन मैं इसको एक्स से ही निपटा देता हूँ और वापस से माइन करने लग जाता हूँ। माइन करते करते दो ड्राउन ज़ॉम्बी आते हैं, जो लिटरली मुझे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है और मैं ब्रेड की सुपर शक्ति से इन दोनों को निपटा देता हूँ। इन दोनों को मारने के बाद वापस से माइन करने लग जाता हूँ। माइन करते करते भाई लिटरली ओसन की काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, जो आज तक मैंने देखी भी नहीं थी, जैसे ये और एक और डॉल्फिन आती जो सफोकेट होके मर रही थी, लेकिन इसको मैं फिर से जीवन दान दे देता हूँ पानी डाल के, और वापस से माइन करने के काम में लग जाता हूँ। माइन करते करते एक पफर फिश आती है, जो मुझे डैमेज दे देती है और खुद ही मर जाती है, और उसके बाद मैं फिर से माइन करने लग जाता हूँ। माइन करते करते भाई लिटरली एक और मॉन्स्टर पार्टी आ जाती है, और इसमें पता नहीं क्या क्या आने वाले थे, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और इस मॉन्स्टर पार्टी में एल्डर गार्डियन, गार्डियन पता नहीं क्या क्या आए थे, और ड्राउन ज़ॉम्बीज आए थे, और जिनके पास जाने का मैं सोच नहीं सकता था। तो फिर मेरे पास बो एंड एरो था, तो बो एंड एरो से ही इन सभी को मैं निपटाने लग जाता हूँ। एल्डर गार्डियन को तो मैं बो एंड एरो की सहायता से निपटा देता हूँ, और लिटरली काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद फिर ये वाला भी मॉन्स्टर पार्टी हो चुका था ख़त्म। यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। उसके बाद मेरे सारे वीट हार्वेस्ट हो चुके थे, तो फटाफट से वीट को मैं यहाँ पे हार्वेस्ट करने लग जाता हूँ, यानी तोड़ने लग जाता हूँ लिटरली, यानी इसका मतलब है कि मैं फार्मिंग कर रहा था अभी। और जितने भी वीट हार्वेस्ट हुए थे सभी को वापस से मैं सीड्स को रीप्लांट कर देता हूँ, ताकि मुझे फूड की कमी ना हो आगे चल के। तो सारे सीड लिटरली मैं सारे के सारे सीड यहाँ पे रीप्लांट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं बैम्बू फार्म पे जाता हूँ और सारे के सारे बैम्बू को भी कलेक्ट करने लग जाता हूँ, जिसमें एक स्पाइडर को भी मार देता हूँ। ऑल राइट, तो बैम्बू यहाँ पे कलेक्ट हो चुका था, तो वापस से कुछ बैम्बू से और लगा देता हूँ, ताकि आगे चल के मैं इनसे बहुत सारी स्टिक बना के ट्रेड कर पाऊँ, तो फिर प्लांट कर देता हूँ। और उसके बाद जितने भी वीट कलेक्ट किए थे उनसे मैं बहुत सारे ब्रेड बना लेता हूँ, और ब्रेड बनाने के बाद अपना हंगर बार यानी अपनी भूख को मिटा लेता हूँ। भूख को मिटाने के बाद वापस से मैं, मेरे पास कुछ बोन मिल थे तो वो अपने सीड्स पे मार के उसको ग्रो कर लेता हूँ और वापस से रीप्लांट कर देता हूँ सीड्स। ऑल राइट, तो जितने भी मेरे पास यहाँ पे वीट अभी मैंने बोन व्हील की सहायता से लिए थे, तो मैंने सोचा कि उन सभी को अपने यहाँ पे सीप्स और काव्स को खिला देता हूँ, ताकि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए। तो फटाफट से इनको खिलाना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैं पहले कोने में ला रहा था इनको खिलाने के लिए, और फिर खिला भी देता हूँ। तो यहाँ पे ये मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था कौन खाया कोई नहीं खाया, खिला देता हूँ ऐसे ही। और उसके बाद फिर क्या था, अपना जो माइनिंग का काम करने से पहले सो जाता हूँ मैं, क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा काम करके थक चुका था मैं। ऑल राइट, तो फिर सोने के उठने के बाद फिर मैंने क्या सोचा, आप एक लाइक कर दो, अगर लाइक कर दिए तो सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद मैं फिर से माइन करता हूँ, एक और पफर फिश आता है, दूर हट जाता हूँ। उसके बाद कुछ टर्टल्स आते हैं, तो टर्टल को भाई साहब मैं बाहर कर देता हूँ, ताकि आगे काम आए। आगे क्या काम आएंगे पूरा तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको बचा के रख लेता हूँ। बहुत सारे टर्टल आते हैं लिटरली, तो सभी को बचा के रख लेता हूँ।
ऑल राइट, तो सारे टर्टल्स को बाहर करने के बाद वापस से माइनिंग के काम पे लग जाता हूँ। माइनिंग करते करते फाइनली ये वाला भी फेस हो चुका था ख़त्म, जिसमें मुझे 2 गोल्डन एप्पल, 1 बकेट में एक्सोलॉट मिलता है और काफ़ी कुछ मिलता है, जिसके बाद मैं फटाफट से इन सभी को, मेरा इन्वेंट्री फुल हो चुका था तो अपना जो स्टोरेज रूम मैंने बनाया था उसमें पहुँचा देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ ताकि अपना इन्वेंट्री खाली हो जाए। और आपको स्टोरेज रूम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर वापस से मैं आ जाता हूँ माइनिंग एरिया में और यहाँ पे माइन कर देता हूँ। अब 70 सेकंड का वेट करना था मुझे नेक्स्ट फेस का देखने के लिए, तो मैं फिर वेट करने लग जाता हूँ यहाँ पे। अब कुछ सेकंड बाकी था, देखते हैं नेक्स्ट फेस में क्या आने वाला था। तो नेक्स्ट फेस में आने वाला था अपना रेड डिज़र्ट। तो रेड डिज़र्ट में पहला अपना लांबा मिलता है, वो वाला लांबा, और उसको बाहर करके फिर सो जाता हूँ बिकॉज रात हो चुकी थी। वंडरिंग ट्रेडर मिलता है हमें, एक फॉक्स मिलती है, सभी मज़े में बाहर घूम रहे थे। और फाइनली जिस चीज़ का मुझे बरसों से इंतज़ार था, यानी अपना विलेजर, करण अर्जुन नहीं भाई विलेजर, तो विलेजर मिल जाता है। उसके बाद कुछ हक्स आते हैं तो हक्स को भाई सब भगा भगा के मारता हूँ। तो काफ़ी देर माइन करते करते मैं बहुत ज़्यादा ही थक जाता हूँ, तो मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। और एक वेंटिलेटर, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, कमेंट में ज़रूर बताना, ये स्पॉन होता है और भाई लिटरली मुझे मारने लग जाता है और मुझे गुस्सा आता है, तो मैं इसको मार देता हूँ। और उसके बाद वापस से मैं माइनिंग के काम पे लगता हूँ। फाइनली अपना दूसरा विलेजर स्पॉन होता है भाई साहब, इतने समय बाद मज़ा आ गया भाई दूसरा विलेजर देख के। विलेजर स्पॉन होता है तो उसकी खुशी में फिर यहाँ पे जितने भी सीप्स हैं उनको शेयर कर लेता हूँ, यानी वूल ले लेता हूँ उनसे। अब वूल मैं इसलिए ले रहा था बिकॉज़ अब थोड़ी समय बाद ही मैं बनाने वाला था अपने लिए एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल, और उसके बाद तुरंत बाद मैं यहाँ पे बहुत सारे वुड्स कलेक्ट करने आ जाता हूँ, बिकॉज़ अपना यहाँ पे जो ट्रीज था वो सभी का सभी ग्रो हो गया था। लिटरली जितने भी ट्री थे सभी को मैं चॉप करने लग जाता हूँ। ऑल राइट, तो फाइनली यहाँ पे मैं अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाने लग जाता हूँ। तो लेट्स एंजॉय टाइम लैप्स गाइस। तो फाइनली यहाँ पे अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आपको कैसा लगा, और वीडियो में अगर आपको कोई कमी नज़र आती तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अब विलेजर ट्रेडिंग हॉल बन चुका है तो इसमें सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे बैट्स बनाने हैं, बिकॉज बैट के बिना तो विलेजर ट्रेडिंग हॉल कम्प्लीट नहीं होगा। तो बहुत सारे प्लैंक्स और बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन वो थे, तो उनसे मैं रंग बिरंगे बैट्स बनाने लग जाता हूँ, और कुछ लाल, कुछ नीले, कुछ पीले बनाने के बाद फिर यहाँ पे मैं फटाफट से जितने भी बैट्स बनते हैं उन सभी को प्लेस कर देता हूँ ताकि अपने जो विलेजर्स हैं वो आराम से सो पाए, रह पाए। और उसके बाद मैं बहुत सारे टॉर्चेस लगा देता हूँ विलेजर के अंदर भी, मतलब विलेजर ट्रेडिंग हॉल के अंदर भी और बाहर भी, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो पाए। तो फाइनली यहाँ पे टॉर्चेस लगाने का काम हो चुका था कंप्लीट, और उसके बाद मैं जितने भी विलेजर्स रहते, यानी 2 विलेजर्स तो थे ही मेरे पास, तो दोनों को मूव कर देता हूँ। तो पहले तो अपना वंडा आ चुकी थी,
जिसका नाम मतलब विलेजर थी जिसका नाम वंडा था, और अपना दूसरा देखते हैं कौन सा विलेजर था, दूसरा भी आ चुका था इरिक नाम था। दोनों को मैं बहुत सारे ब्रेड खिला देता हूँ ताकि दोनों ब्रेड करके अपनी जनसंख्या बढ़ाए और मेरा विलेजर ट्रेडिंग हॉल सफल हो। उसके कुछ देर बाद माइनिंग करने जाता हूँ तो फिर एक मॉन्स्टर पार्टी और आ जाती है। अब इसमें पता नहीं किस तरीके के मॉब स्पॉन होने वाले थे, तो थोड़ा दूर जाके मैं देखने लग जाता हूँ कि किस तरह के आएंगे, और जैसे ही मुझे पता चलता है ये कमज़ोर मॉब हैं तो पास जाके फटाफट से मैं इनको सभी को निपटाता हूँ। लेकिन मेरा शील्ड टूट चुका था तो पहले एक शील्ड बनाना था, तो फिर फटाफट से एक शील्ड बना लेता हूँ मैं, और उसके बाद फिर इन सभी मॉब्स को मैं ठिकाने लगाने लग जाता हूँ। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी इन सभी को मारने में, और एक तो छुपा हुआ था लेकिन उसको भी फाइनली मैं निपटा देता हूँ। और सभी काम करने के बाद वापस से मैं माइनिंग के काम पे लग जाता हूँ। माइनिंग करते करते काफ़ी कुछ मुझे मिल रहा था, और एक लामा आया लेकिन लामा बाहर नहीं आ पा रहा था। उसके बाद मैं फिर अब तैयारी करने वाला था अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए। तो एक्सपी फार्म बनाने के लिए लिटरली मैं बहुत सारे वुड्स एंड जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज थे उन सभी का मिश्रण यूज़ करने वाला था मैं, सभी का सभी चीज़ यूज़ करने वाला था। ट्री कलेक्ट करने के बाद जितने भी सैपलिंग थे उनको तो रीप्लांट कर देता हूँ, और वापस से अपने स्टोरेज के पास आ जाता हूँ, और जितने भी चेस्ट मेरे पास थे तो सभी चेस्ट को मैं वापस से कलेक्ट कर लेता हूँ, और जितने भी वुड थे सभी कलेक्ट कर लेता हूँ, और बहुत सारे ट्रैप डोर्स बना लेता हूँ मैं। और ट्रैप डोर्स बनाने के बाद फिर मेरे को यहाँ पे आयरन भी था मेरे पास, तो अब मुझे बनाना था हॉपर, तो यहाँ पे कुछ हॉपर्स भी मैं बना लेता हूँ, लेकिन अभी नहीं बनाने वाला था एक्सपी फार्म में। उसके बाद मैं दोबारा से माइनिंग पे जाता हूँ तारे ताकि कुछ और रिसोर्सेस आए। उसके बाद ये वाला फेज़ ख़त्म हो जाता है जिसमें मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, जैसे गोल्डन एप्पल मिलता है, एक्सपी बोतल्स मिलती है, जिसके बाद मैं माइन करके नेक्स्ट फेज़ का इंतज़ार करने लग जाता हूँ। तो फाइनली अपना कुछ समय होने ही वाला था और नेक्स्ट फेज़ का पता चलने ही वाला था कि कौन सा आने वाला है फेज़। तो ये एक सेकंड बाद ही अपना आ जाता है जंगल डंजियन। अब जंगल डंजियन का मतलब है कि ये जंगल बायोम से रिलेटेड है, यानी इसमें मुझे मिलने वाले थे जंगल में जो भी बायोम में मिलते हैं चीज़ें, तो लिटरली मुझे काफ़ी चीज़ें मिलने वाली थी, जैसे कि ये विच मिल गई, और इसको तो मारते मारते लिटरली भाई मैं काफ़ी बार मरते मरते बचा। कई पैरोट स्पॉन हुए, ये लोमड़ स्पॉन हुआ, और एक क्यूट सा पांडा, एक नहीं भाई दो, और दोनों को बैम्बू का लालच दे दे के बाहर लाया और दोनों को टेम कर दिया। और उसके बाद वापस से माइन के काम में लग गया मैं, और माइनिंग करते करते मुझे कुछ डायमंड्स मिले और काफ़ी ओपी ओपी चीज़ें मिल रही थी मुझे। और ये दो भाई पता नहीं कौन सी एले स्पॉन हो गई जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रही थी, लेकिन उसको मारने के चक्कर में मेरा एक पैरोट शहीद हो गया, लेकिन इनसे भी मैंने कूट कूट के बदला लिया। और यहाँ पे कुछ हॉर्स आया, तो हॉर्स को तो रखना बनता ही था, जिसके लिए तवेला बनाएंगे, जिसको साइड करके मैं वापस से माइन करता हूँ। तो अब इसका फेस का आ चुका था अपना जॉम्बी मॉन्स्टर पार्टी, और ये मॉन्स्टर पार्टी बड़ा ही ख़तरनाक था। ये तो भाई लिटरली ये सबसे ज़्यादा एनोइंग मॉब है, बहुत ज़्यादा ही डैमेज देते हैं। तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद इन सभी को निपटाना पड़ ही गया, और आयरन गोलम भी मदद कर रहा था मेरी मारने के लिए, तो आयरन गोलम भी मार देता है और मैं भी एक दो को निपटा देता हूँ। और ये उड़ रही थी बहुत हवा में, तो इसको फिर अपना जो बो एंड एरो है उसी से उड़ा देता हूँ। उड़ाने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, एक लाइक करना इसके लिए, ठीक है गाइस। उसके बाद वापस से मैं माइनिंग करने चला जाता हूँ, जिसके बाद ये फेज भी ख़त्म हो जाता है, जिसमें मुझे एक गोल्डन इंचेंटेड एप्पल, दो गोल्डन एप्पल और काफ़ी कुछ मिलता है, जिसके बाद 90 सेकंड का वेट करना पड़ जाता है मुझे नेक्स्ट फेज जानने के लिए कि नेक्स्ट फेज में क्या आने वाला है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट फेज था अपना मैनग्रोव बायोम का, यानी अपना जो 1.90 में नया मैनग्रोव बायोम आया था, जिसमें फ्रॉग भी आए थे, ऐड हुए थे, और मैनग्रोव ट्रीज भी हुए थे, यानी इसमें हमें काफ़ी नई चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे अभी फ्रॉग स्पॉन हो गया, और कुछ देर और माइन करने के बाद कुछ स्लाइम्स आए, तो जिन सभी को मैंने ठिकाने लगा दिया अच्छे से, लेकिन ये मान नहीं रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एनोइंग लग रहे थे ये, जिसमें मैंने काफ़ी देर तक माइन किया। और माइन करते करते भाई एक जॉम्बी विलेजर आया था जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, तो ज़रूरत नहीं है तो फिर इसको मैंने निपटा दिया। इसको निपटाने के बाद वापस से मैं माइन करने वाला लगा, और एक मॉन्स्टर पार्टी और आ गई। नाइट हो चुका था तो अभी लड़ने का मैंने नहीं सोचा, और जाके तुरंत सो गया। और उठने के बाद फिर तो मैं अब इनके बल्ले बल्ले करने लग गया, यानी इन सभी को मैंने ठिकाने लगा दिया, और इन सभी के चक्कर में मेरे कुछ टर्टल्स भी ठिकाने लग गए। और इन सभी को मारने के बाद वापस से मैं माइन करने लग गया, और काफ़ी देर माइन करने के बाद फाइनली ये वाला फेज़ भी ख़त्म हो गया, जिसमें मुझे काफ़ी ओपी चीज़ें मिली, और फिर नेक्स्ट फेज़ का मैं इंतज़ार करने लग गया। और ये नेक्स्ट फेज़ अपना काफ़ी देर इंतज़ार मुझे करवा रहा था,
और नेक्स्ट फेज था अपना द नैदर का। नैदर का मतलब है काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें स्पॉन होने वाली थी, काफ़ी नई चीज़ें मिलने वाली थी। तो भाई सबसे पहले तो ये पिगलिन स्पॉन हुई, तो पिगलिन को पहले तो मैं सोचा ट्रेड करूँगा, लेकिन बाद में ये जॉगलिन बन गए तो इनको मारना पड़ गया मुझे। उसके बाद अपना कुछ नेदरराइट इंगट ये सब आने वाले थे, तो फिर इसके लिए मैंने आयरन का पिकेक्स बना के फटाफट से ऑब्सीडियन और नेदर के चीज़ें माइन की, और उससे फिर नेदरराइट इंगट बहुत सारे बनाए। ये जॉगलिन स्पॉन हुए जो कुछ समय बाद पता नहीं हॉगलिन में कन्वर्ट हो गए, फिर इनको भी अच्छे से ठिकाने लगा दिया मैंने। ब्लेज आया उसको भी ठिकाने लगा दिया मैंने, और फिर से माइंड करने लगा। और ये नेदर का मॉन्स्टर पार्टी आया, और ये गास्ट भाई साहब इसको अगर नहीं मारता नहीं पूरे घर को मेरे मतलब पूरे प्लेटफॉर्म को ख़त्म कर देती। तो इसको डुबा डुबा के कुदा कुदा के मारा मैंने, और कुछ मैग्मा क्यूब थे तो इनको मारना कोई ज़्यादा भारी काम नहीं था, तो फिर इन सभी को मैंने अच्छे से निपटा दिया। और फिर वापस जाके सो गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुका था मैं, और वापस ब्रेड आके खा के कुछ पिगलिंस बचे थे तो फिर पिगलिंस को भी निपटाना पड़ गया मुझे। और उसके बाद वापस से मैं माइन के काम में लग गया। माइनिंग करते करते फाइनली नेदर फेस ख़त्म हो गया, जिसमें मुझे लावा बकेट, गोल्डन एप्पल और काफ़ी ओपी चीज़ें मिली। और उसके बाद मुझे 110 सेकंड वेट करना पड़ गया नेक्स्ट फेस जानने के लिए कि कौन सा रहेगा। तो अपना आइडल का कुछ फेस बता रहा था जिसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए, लेकिन ये मॉन्स्टर पार्टी था जिसमें बहुत सारी हनी बीज स्पॉन हो रखी थी। अब फाइनली मैं यहाँ पे अपने एक्सपी फार्म बनाने लग गया। तो लेट्स एंजॉय टाइम लैप्स गाइस। ऑल राइट, तो काफ़ी देर माइन करते जा रहा था मैं, और उसके बाद मुझे डीप डार्क बायोम के काफ़ी चीज़ें मिल रही थी। और फाइनली एक वार्डन आया, वार्डन से मैं काफ़ी डरा हुआ था तो एक ही जगह खड़ा रहा, लेकिन मुझे क्या पता था वो तो बेवकूफ़ निकला, वो खुद ही गिर के मर गया। और उसके बाद कुछ स्केल्टन हॉर्सेस आए तो उसको मैंने खुद ही मार दिया, और फिर से जो माइनिंग का काम रहता है उसको मैंने कंटिन्यू कर दिया, जिसमें मुझे काफ़ी कुछ मिला। और मुझे पता ही नहीं चला कि ये सिप्स कब बाहर आ गई मुझे,
और इनको लिटरली अंदर करने में काफ़ी पसीने छूट गए। तो उसके बाद मैंने कुछ वीट याद आया तो वीट कलेक्ट करके इनको लालच दे दे कर फिर मैं अंदर ले गया भाई। लिटरली अंदर आने को तैयार नहीं थे लेकिन अंदर ले जाके फिर बंद कर दिया और वापस से जो माइनिंग का काम है वो कंटिन्यू कर दिया, जिसमें मुझे काफ़ी चीज़ें मिल रही थी जैसे लैपिस लाजुली कोल एंड डाइस भी मिल रही थी। तो कलेक्ट करते जा रहा था मैं और स्केलेटन हॉर्स आ रहा था तो उसको मारते जा रहा था मैं, क्योंकि बिकॉज मेरे पास काफ़ी एनिमल्स हो चुके थे ऑलरेडी। और यहाँ पे भाई साहब लिटरली इसको माइन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था और एक कोर वार्डन आ गया, मुझे लगा ये भी नीचे गिर के मर जाएगा खुद ही, लेकिन भाई ये वाला वार्डन बेवकूफ़ कहीं से नहीं लग रहा था, बिकॉज मैं ही बेवकूफ़ लग रहा था। इसने अटैक का भाई साहब मूड बना लिया था, मैं तो डर के मारे दूर भागा। और ये क्या विलेजर्स बाहर क्यों आ रखे हैं पता नहीं। और यहाँ पे मैंने जो एक्सपी फार्म बनाया था उसमें फिर स्केल्टन्स और जॉम्बीज की पिटाई लगाने लगा, ताकि जो स्केल्टन्स है वो बहुत सारे बोट ड्रॉप करे और उससे फिर मैं वार्डन की पिटाई लगाऊं। तो यहाँ पे मैं लगातार बहुत देर तक यहाँ पे एक्सपी फार्म पे काम करता रहा ताकि मुझे एरो मिल जाए, और वैसा हुआ भी, मुझे बहुत सारे एरो भी मिले। और उसके बाद जो वार्डन था उससे मैं दूर से ही फ़ाइट लेने का सोच रहा था, बिकॉज पास से तो फ़ाइट लेना मेरे बस की बात तो थी नहीं। तो दूर से मैंने लिटरली भाई 100 से भी ज़्यादा एरो लगे होंगे इस वार्डन को मारने के लिए, लेकिन ये वार्डन मरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन मैंने 100 से ज़्यादा एरो लगा के मार मार के लगातार वार कर करके इसको लिपटा ही दिया वार्डन को। उसको लिपटाने के बाद वापस से माइनिंग के काम पे चला गया मैं, और माइन करते 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 भाई सब लिटरली काफ़ी दिन बीत चुके थे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने दिन बीत गए हैं, टोटल 95 डेज़ हो चुके हैं। आपको होप यू पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ पे मेरा जो था पिकैक्स डायमंड का टूट गया था, तो उसको कलेक्ट करके फाइनली ये वाला फेज़ भी अपना हो चुका था दी एंड। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ये वाला फेज़ दी एंड करके। अब 130 सेकंड में पता नहीं कौन सा वाला फेज़ आने वाला था, तो भाई वेट कर लेते हैं। डीप स्लेट में पता नहीं कौन सा ग्लिच हो रहा था, डर्ट आ रहा था जा रहा था, और फाइनली यहाँ पे अपना लास्ट वाला फेस जिसमें मुझे एंडर पर्ल, आई ऑफ एंडर, चोरस फ्रूट और काफ़ी कुछ मिला भाई साहब लिटरली। तो यानी अब तैयारी करना था मुझे एंडर ड्रैगन से फाइट करने का। अभी मेरे पास सिर्फ गोल्डन्स के और आयरन का सूट था, तो सबसे पहले मैं अपना जितने भी बैम्बू थे उससे स्टिक बनाया, और बहुत सारे एमराल्ड विलेजर से ट्रेड किया मैंने, यानी फ्लेचर से ट्रेड किया मैंने। और उसके बाद अपना जो पिकैक्स और एक्स और आर्मर्स था उन सभी पे मैंने कुछ इंचेंटमेंट लगाया, कुछ गिने चुने इंचेंटमेंट ही मिल रहे थे लेकिन मैंने फिर भी लगा लिया, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ सही ही सही होता है। और उसके बाद कुछ बुक्स थे तो उससे भी लगा के मैं फाइनली एंड पोर्टल के पास पहुँच गया, और उसको एक्टिवेट करके फाइनली युद्ध की घोषणा कर दी मैंने एंडर ड्रैगन से। अब फाइनली वक्त आ चुका था एंडर ड्रैगन से फाइट लेने का। अब एंडर पर्ल की सहायता से मैं उसके आइलैंड पर आ गया, और आइलैंड के पे आने के बाद सबसे पहले उसके जो एंड क्रिस्टल रहते थे उसको तोड़ना ज़रूरी था, बिकॉज अगर वो नहीं टूटेंगे तो एंड द ड्रैगन का घमंड कैसे टूटेगा। तो फिर एंड क्रिस्टल को तोड़ने के बाद फिर एंड ड्रैगन का घमंड तोड़ने के लिए आ गया, क्योंकि यही कहता है कि मेरे से पावरफुल कोई नहीं है। और फाइनली इसका घमंड भी चूर चूर हो जाता है मेरे तलवार के वार से, लेकिन मेरा भी हेल्थ जाने ही वाला था, लेकिन गोल्डन एप्पल मैं खा लेता हूँ और बच जाता हूँ। और फाइनली यहाँ पर एंड ड्रैगन को मैंने डिफीट कर दिया था, और यहाँ पे जितने भी एक्सपी थे उन सभी को मैं कलेक्ट करने लग जाता हूँ। एक्सपी कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंडर ड्रैगन का जो एग रहता है उसको सबूत के तौर पे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि विलेजर्स को दिखा सकूँ कि मैंने आप लोगों के लिए जो एंडर ड्रैगन है उसको मैंने डिफीट कर दिया है। तो फाइनली गाइज मैंने यहाँ पे अपने जितने भी गोल्स थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया। और आप लोगों का गोल था चैनल को लाइक, फर्स्ट टाइम ऐसे सब्सक्राइब करना, तो क्या आप लोगों ने अपना गोल कंप्लीट किया कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। Thanks for watching.